तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो मध्य प्रदेश आयुष काउंसलिंग 2022 के बारे में है, जिसके अंतर्गत जो भी सेकंड राउंड है उस सेकंड राउंड का जो ऑफिशियल शेड्यूल जो कि वेबसाइट पर रिलीज कर दिया गया है उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों आप सभी को पता है कि फर्स्ट राउंड जो है वो 17 तारीख को ख़त्म हो जाएगा, जिसमें जिनको भी अलॉटमेंट अपना कैंसिल करवाना है वो फर्स्ट राउंड वाले 17 तारीख तक करवा सकते हैं। उसके बाद में 19 तारीख को जो भी वैकेंट सीट होगी, कितनी सीटें जो है वो बची है फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट होने के बाद में, उनकी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो वेबसाइट पर पब्लिश कर दी जाएगी। सेकंड राउंड के लिए जो भी प्रोसेस है दोस्तों वो 19 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों उसमें जो शेड्यूल है वो किस तरह से रहेगा उसके बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों जिस तरह से फर्स्ट राउंड जो कि BMS, BHMS, BAMS और BNYS के लिए जो हुआ था, ये चार तरह के जो कोर्स है इन्हीं के लिए फर्स्ट राउंड हुआ था, सेकंड राउंड भी इन्हीं के लिए होना है, ठीक है। दोस्तों वेबसाइट पे ये नोटिफिकेशन जो है वो 13 तारीख को रिलीज कर दिया गया था। तो इसमें क्या है कि जो सबसे पहले आपको, अगर अपन रिक्त सीटों की बात करें कि कितनी सीटें जो है फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग में अलॉटमेंट होने के बाद में बची है, तो उनकी जो है 19 तारीख को आपको जो भी डिटेल है वो या फिर जो भी नोटिफिकेशन है वो 19 तारीख को जो है बता दिया जाएगा कि कितनी सीटें जो है वो बची है फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट होने के बाद में। उसके बाद में जो 20 तारीख 20 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालय की प्राथमिकता कम का निर्धारण, चॉइस फिलिंग, लॉकिंग एंड एडिट, ठीक है। तो उसके बाद में दोस्तों 20 तारीख से लेकर के 22 तारीख के बीच में आपको चॉइस फिलिंग करनी है, लॉकिंग करना है, और जो भी आपका जो भी अलॉटमेंट है, जो भी चॉइस फिलिंग के अंदर आपने कॉलेज को जो है वो चॉइस किया है उसमें आप एडिट कर सकते हैं। 22 तारीख के बाद में दोस्तों 27 तारीख को जो है सेकंड राउंड का अलॉटमेंट, सीट अलॉटमेंट जो है रिलीज कर दिया जाएगा वेबसाइट पे। उसके बाद में 28 से लेकर के 1 तारीख के बीच में, मतलब 28 तारीख से लेकर के जो 1 तारीख है उसके बीच में जो है वो आप क्या कर सकते हो, महाविद्यालय में औपचारिकता पूर्ण कर अस्थायी प्रवेश प्राप्त करने की तिथि, मतलब जो भी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो सारा, जो भी आपको कॉलेज अलॉट होगा वहाँ पर जाकर के आप फिजिकली प्रेजेंट होकर के जो अपना वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। दोस्तों 27 तारीख को सेकंड राउंड का सीट अलॉटमेंट पब्लिश होने के बाद में आपको 28 तारीख से लेकर के 1 तारीख के बीच में जो भी आपका अलॉटेड कॉलेज है उसमें जाकर के आपको फिजिकली प्रेजेंट होकर के जो भी एसेंशियल डॉक्यूमेंट है दोस्तों उनके साथ में आपको वहाँ पर फिजिकली प्रेजेंट होकर के आपका जो भी वेरिफिकेशन है वो वहाँ पर आपको करवाना है। इसके बाद में कोई भी स्टूडेंट जिनको कॉलेज अलॉट हो गया, लेकिन जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है वो अगर उसको नहीं चाहिए, वो उसमें अपना एडमिशन जो है कैंसिल कराना चाहता है, जो एडमिशन कैंसिल कराने का प्रोसेस है वो 28 तारीख से लेकर के 1 तारीख के बीच में स्टूडेंट आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसके अंदर हमने बात करी कि जो भी मध्य प्रदेश आयुष काउंसलिंग है उसके अंदर स्टार्ट होने वाले 19 तारीख से सेकंड राउंड जो स्टार्ट होने वाला है उसकी जो ऑफिशियल शेड्यूल है वो किस तरह से रहेगा, कब कब क्या होगा, इसके बारे में बात करी। तो दोस्तों MP आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी अपडेट है वो मैं आपके लिए चैनल पे जो है लगातार लाता रहूँगा, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचाए। थैंक यू सो मच गाइस।